हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है और आज मैं चावल के रसगुल्ले बनाने जा रही हूँ। आज मैं चावल के रसगुल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ। जिस तरह से हम छेना का रसगुल्ला बनाते हैं, उसी तरह से चावल का रसगुल्ला भी बनता है और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बिल्कुल छेना के रसगुल्ला की तरह खाने में लगता है। इसको बनाने में कुछ खर्च भी नहीं है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो चावल के रसगुल्ले को आप जब चाहे बना सकते हैं। जब भी आपके बच्चे बोलेंगे, झटपट में आप इसे 2 मिनट में तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चे अपने फैमिली के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। चावल का रसगुल्ला बनाने के लिए इस कप से 1 कप चावल का आटा ले लिया है। इसी कप से 1 कप दूध लेंगे। दूध को गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। दूध गुनगुना हो चुका है, गैस ऑफ कर देंगे। अब इकट्ठा किया हुआ चावल का आटा इसमें डाल देंगे। इसे मिक्स कर देंगे। अब गैस जला लेंगे और मिलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे धीमी आंच पर। एक चम्मच देसी घी डाल देंगे जिससे यह हाथ में चिपके ना। आटा को दूध में घोलने का काम आप पानी में भी कर सकते हैं, पानी में भी आटा को घोल सकते हैं। उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा हम दूध डाल देते हैं तो इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। काफी रूखा लग रहा है तो थोड़ा सा दूध और डाल देंगे, यानी कि आधा कप दूध और डाल देंगे। दो मिनट पका दिया है और आटा काफी रूखा हो चुका है। ठंडा होगा तो यह और भी रूखा हो जाएगा। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब रसगुल्ला के लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो 4 कप पानी डालेंगे, 2, 3, 4। 4 कप पानी डाल दिया है और इसे गर्म होने चढ़ा देते हैं। इसमें 2 कप चीनी डालेंगे। वैसे इतने चीनी की आवश्यकता नहीं है, 1 कप चीनी में ही मीठा हो जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाशनी बनाना है ताकि सारे रसगुल्ले उसमें डूब सके। 1 कप चीनी और डालेंगे। अब हम इसे पिघलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक चीनी पिघल ना जाए। आटा हल्का गर्म है, इसी में 1 चम्मच घी फिर से डाल देंगे और इसे मस लेंगे। लगभग मैंने इसे 30 सेकंड मसल दिया है और यह काफी अच्छा स्मूथ हो गया है। तो अब एक रसगुल्ला गोल करके देखेंगे। यह बिल्कुल चिकना होना चाहिए, इसमें कोई दरार नहीं पड़ना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी दरार इसमें नहीं पड़ रहा है। तो अब हम इसके रसगुल्ला बना सकते हैं, इसको शेप दे सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर कोई गुठली हो आटा में तो गुठली को मिला दें या फिर उसे निकाल दें। अब एक बार चाशनी को चेक कर लेते हैं। चीनी पिघल चुका है और चाशनी तैयार हो चुका है। अब हम गोल गोल रसगुल्ला बनाकर इसमें डाल दिए जाएंगे। हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे और रसगुल्ला का साइज जो आपको रखना हो उसी साइज का हम इसे
बनाएंगे। ध्यान रखना है कि सारे रसगुल्ला का साइज एक जैसा होना चाहिए। एक हम बना लेंगे पहले और इस हाथ में रखेंगे और दूसरे हाथ से हम नापते जाएंगे कि साइज छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम गोल शेप देंगे। धीमी आंच पर 3 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे। गैस का हीट ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो रसगुल्ला झड़ने लगेगा, तो इसीलिए हमें 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से पकाना है। छोटी इलायची भी कूट लिया है, अब इसमें डाल देंगे ताकि यह इसी बीच फ्लेवर को सोख ले और अच्छी खुशबू रसगुल्ला में आए। पकते हुए 3 मिनट हो चुका है और गैस ऑफ कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि यह तैयार हो चुका है। रसगुल्ला ने चाशनी सोख लिया है, पका हुआ तो पहले से था, अब इसने चाशनी सोख कर मीठा हो गया और थोड़ा फूल गया है। तो इसको पकाते समय ध्यान रखें कि इसके ऊपर ढक्कन ना डालें और धीमी आँच पर 3 से 4 मिनट पकाएँ और उसके बाद गैस ऑफ कर दें। तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है और मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। एक रसगुल्ला मैं आपको काट कर दिखा देती हूँ। देख सकते हैं कितना फ्लफी और कितना सुंदर रसगुल्ला तैयार हुआ है। रसगुल्ला बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से चावल के रसगुल्ले आप अपने घर पर बनाइए। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।